वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश को 15,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मनसूबों की देंगे सौगात। अयोध्या हवाई अड्डे और अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का करेंगे इफ्तिताह। मुल्क को आज मिलेगी एक नई सुपरफास्ट मुसाफिर क्लास अमृत भारत ट्रेन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहली दो नई अमृत भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। नई ट्रेन दरभंगा, अयोध्या, आनंद विहार और मालदा टाउन बेंगलुरु के दरमियान चलेगी। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह गांधीनगर में इंडियन नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के दफ्तर की नई इमारत का रखेंगे सिंह बुनियाद। अहमदाबाद में पूज्य पूनी स्वामी स्मृति महोत्सव में करेंगे शिरकत। राजस्थान में भजन लाल शर्मा हुकूमत की काबीना में आज होगी तौसी। तकरीबन 20 वज़रा के हलफ लेने का इम्कान। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज पब्लिक सेक्टर के बैंकों के आला अहदेदारों के साथ करेंगी मीटिंग। मीटिंग में बैंकों की माली कारकर्दगी का लिया जायजा। मरकजी हुकूमत ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल से मुतालिक दहशतगर्द लखबीर सिंह लांडा को UAPA कानून के तहत दहशतगर्द दिया करार। लखबीर सिंह फिलहाल कनाडा में है रिहाइश पजीर। भारत के खिलाफ दहशतगर्दाना साजिशों में है मुलव्वस। यूक्रेन पर रूस के फिजाई हमले में 30 से ज्यादा अफराद हलाक, 160 जख्मी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का अवदीविका शहर का दौरा। खेलों में खवातीन क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबका। टीम इंडिया सीरीज बराबर करने के अज़्म से आज उतरेगी मैदान में। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में शहरी सहूलियात की बेहतरी और आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 11,100 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर PM मोदी रीडेवलप्ड अयोध्या रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह भी करेंगे। इस स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन रखा गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 11:15 पर अस्सर-ए-नौ तामीर शुदा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। फेज़ 1 को 240 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। ये इमारत 3 मंजिला है। इसमें तमाम जदीद सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ आने के बाद मुसाफिर इसकी शान शौकत महसूस करेंगे। माहौलियाती तहफ़ और तवानाई की बचत को भी मद्देनज़र रखा गया है। नई क्लास की ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। वज़ीर आज़म दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये सुपरफास्ट ट्रेन पुल और पुश नॉन एसी कोचेस के साथ पटरियों पर चलेगी, यानी ट्रेन के दोनों तरफ इंजन लगाए जाएंगे। मोबाइल चार्जिंग, सामान के लिए काफी जगह, नई डिजाइन करदा सीटें मुसाफिरों के सफर को आरामदेह और सहल बनाएंगी। सिक्योरिटी की सतह को बढ़ाने के लिए ट्रेन में CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। नई अमृत भारत ट्रेन दरभंगा, अयोध्या, आनंद विहार के दरमियान और मालदा टाउन से सदर विश्वेश्वरिया टर्मिनस बेंगलुरु तक चलेगी। वज़ीर आज़म 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वैष्णो देवी कटरा, नई दिल्ली अमृतसर, दिल्ली कोयम्बटूर बेंगलुरु कैंट, बेंगलुरु मडगांव, जालना मुंबई और अयोध्या आनंद वंदे भारत को झंडी दिखाएंगे। 2300 करोड़ रुपए की लागत के 3 रेलवे प्रोजेक्टों को भी कहा जाता है कि वज़ीर आज़म कौम के नाम वक्फ करेंगे। अयोध्या में वज़ीर आज़म 12:15 पर अयोध्या हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। टर्मिनल की मरकजी इमारत में श्री राम मंदिर के फन तामीर की झलक मौजूद है। भगवान श्री राम की जिंदगी को दीवारों पर मकामी आर्ट पेंटिंग्स के जरिए दिखाया गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एयरपोर्ट भी यहाँ पे है, जो कि हम लोग को कहीं जाना पड़ता था तो फिर दिक्कतें होती थी बहुत सारी,
अब आज वो चीज यहाँ एयरपोर्ट यहाँ बन गया है, उसके लिए बहुत भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या जैसी जगह को, अयोध्या वैसे तो बहुत बड़ी जगह है, अपने आप में ही राम जी का स्थल है ये, इससे बड़ी बात कुछ चाहिए नहीं। और यहाँ पे आ रहा है हवाई जहाज से उतरेंगे पुष्पक विमान, जो उस टाइम के वो होते थे आज के ये है। एयरपोर्ट यहाँ से बन गया कि हमारे यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर दराज के लोग आकर के यहाँ से डायरेक्ट पूरे वर्ल्ड में जा सकते हैं, पूरे विश्व में जा सकते हैं। ये मोदी जी और योगी जी की देन है जो हमारी अयोध्या में इतनी भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। टर्मिनल इमारत 6500 मुरब्बा मीटर में बनाई गई है, जो हर साल 10 लाख मुसाफिरों की गुंजाइश के साथ सर्विस फराहम करेगी। फेज वन में 1450 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आई है। इमारत मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त है। इंसुलेशन रूफ सिस्टम, LED लाइटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग के इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज। अयोध्या के दौरे से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत तरक्की के तहत पुरअज़्म है। ये बात उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कही। हमारी हुकूमत आलमी मियार के बुनियादी ढांचे को तरक्की देने, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और भगवान श्री राम के शहर अयोध्या के शानदार विरासत को महफूज रखने के लिए पुरअज़्म है। इस संत में नए तामीरशुदा हवाई अड्डे और रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह करूंगा। इसके साथ मुझे कई और तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की सआदत भी मिलेगी, जिससे अयोध्या और UP समेत मुल्क के कई इलाकों में मेरे खानदान के अफराद की जिंदगी आसान हो जाएगी। रीडेवलप्ड अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तमाम सहूलियात से आरास्ता है। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने इस स्टेशन का जायजा लिया। यह एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन है, जो अपने नए लुक, नए फ्लेवर और नए क्लेवर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। हमारे कैमरामैन आपको घुमाकर दिखाएंगे पैन करके कि ये जो दो लेयर में ये जो बनाया गया है, यह देखिए कि बिल्कुल जो रेलवे स्टेशन है ये दिखाई पड़ रहा है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। सीढ़ियाँ हैं, लिफ्ट हैं, लॉबी हैं, प्रतीक्षालय हैं और तमाम जो गेट आप देख सकेंगे वो गेट्स जो हैं वो बिल्कुल हवाई जहाज़ की तर्ज पर जब आप इंटर करते हैं एयरपोर्ट में वैसे गेट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर हैं वह भी बनाए गए हैं। इसके अलावा हर एक लेयर पर आप देख सकेंगे कि एक बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको तैयार किया गया है, जो कहीं ना कहीं मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर होने का एहसास कराएगा। जो अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर भी फूड प्लाजा है और इसके अलावा ऊपर भी फूड प्लाजा की संकल्पना की गई है, शिष्यों के देखभाल करने की, डॉक्टरों के द्वारा चिकित्सा किए जाने की। और आप ये जो देख पा रहे हैं कि दो लेयर में यहाँ पर प्रतीक्षालय बनाए गए हैं और एक ही विहंगम दृश्य जो है यह रेलवे स्टेशन उत्पन्न कर रहा है। और कहीं ना कहीं इस तरह के जो अभिनव प्रयोग हैं, यह भारतीय रेल की एक संकल्पना है कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की दिशा में भारतीय रेल आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो भारतीय हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसाफिर हैं, इस रेलवे स्टेशन को देखकर अपने आप को निश्चित तौर पर एक लग्जरियस फील वाला स्टेशन जरूर महसूस कर सकेंगे। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ अयोध्या धाम से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। अयोध्या के रेलवे स्टेशन को अस्सरे नौ तामीर किया गया है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बिल्कुल एयरपोर्ट की तरफ पर बनाया गया है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने DD न्यूज से खसूसी बातचीत में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ख्वाबों का स्टेशन है। रेलवे के वजीर ने अमृत भारत ट्रेन की तारीफ करते हुए कहा कि ये ट्रेन आम लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। हमारे नामा निगार राजेश राज ने रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को करेंगे और यह स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है। और हमारे साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। सर, लग रहा है कि हम एयरपोर्ट पे खड़े हैं, एक आधुनिक लुक देने की आपने कोशिश की है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा, बड़ा और एक अच्छा क्लियर विजन है। उस विजन के हिसाब से ये स्टेशन बन रहा है। आपने इसमें देखा रूफ प्लाजा, चौड़ी स्पेस पटरी के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छी एक सब्सटेंशियल जगह पैसेंजर्स के बैठने के लिए, लोकल प्रोडक्ट्स को वहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए, लोकल खान पान की स्टॉल के लिए, इन सब के लिए बच्चों के खेलने की जगह, वो सब जगह बहुत ही अच्छी एक रूफ प्लाजा बनी है। स्टेशन शहर के दोनों तरफ बनेगा,
फेज़ टू में उस तरफ जो हाईवे वाली साइड है वहाँ भी कंस्ट्रक्शन होगा, और इस स्टेशन की कैपेसिटी 1,00,000 पैसेंजर्स पर डे की कैपेसिटी क्रिएट हो रही है। अभी करीब 20,000 है जिसको 1,00,000 पे बढ़ाया जा रहा है। सर, अमृत भारत जो ट्रेन है उसको लेकर लोगों में काफ़ी अपेक्षाएं हैं, क्या खास है? देश की जनता, दूरदर्शन के जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं। अमृत भारत ट्रेन में पुश पुल टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, और पूरी की पूरी ट्रेन को अलग अलग कोच नहीं है, वो एक पूरी ट्रेन सेट बनाए, उस पूरे ट्रेन सेट को परमानेंटली कपल्ड है वो, और उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। और सो कई सारी जो कोच वाली ट्रेन में जो दिक्कत होती थी, झटके लगना, वो सब चीज़ें इसमें ख़त्म हो जाती है। और बहुत अच्छे क्वालिटी के टॉयलेट्स लगे हैं, हर जगह चार्जिंग पॉइंट्स बने, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। बहुत शुक्रिया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर अभी खड़े हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अमृत भारत ट्रेन है वो आम लोगों की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने वाला ट्रेन होगा, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भी होगा। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और आइए अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। चीफ सेक्रेटरियों की कॉन्फ्रेंस कल नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में इख्तिताम पजीर हुई। मीटिंग के दौरान पॉलिसी मुतालिक वसी उमूर पर बामानी बातचीत हुई। मीटिंग में बेहतर खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में जेर बहस मसाइल में तमाम शहरियों के लिए अच्छी हुक्मरानी को यकीनी बनाना नुमाया है। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह गुजरात में कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे, जिसमें वो श्री स्वामी नारायण गुरुकुल विश्वविद्या परिष्ठानम अहमदाबाद के जेर एहतमाम पूज्य प्राणी स्वामी स्मृति महोत्सव में मौजूद रहेंगे। वो गांधीनगर में NCDFI हेडक्वार्टर का संग बुनियाद रखेंगे, साथ ही वो ई मार्केट अवार्ड 2023 की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इस दौरान मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज पब्लिक सेक्टर के बैंकों के सरबराहों के साथ मीटिंग करेंगी। मीटिंग में प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना समेत मुख्तलिफ स्कीमों के लिए मुकर्रर करदा अहदाफ को हासिल करने में बैंकों की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। मीटिंग में NPA की सूरत हाल और बैंकों के कर्जों की वसूली पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ साथ वजीर खजाना बैंकों की माली शमूलियत, असासों के मेयार और कारोबारी तरक्की के मनसूबों का भी जायजा लेंगी। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान में वजीर आला भजन लाल शर्मा की काबीना में आज तौसी की जाएगी। गवर्नर कलराज मिश्रा आज दोपहर 3:15 पर नए वज़रा को हलफ दिलाएंगे। वजीर आला भजन लाल शर्मा, रियासती सदर CP जोशी, सीनियर लीडर राजेंद्र राठौर और रियासती शरीक इंचार्ज विजय राहटकर की बुध की देर रात तक एक तवील मीटिंग हुई, ताकि नामों पर इत्तफाक राय कायम हो सके। तकरीबन 15 से 20 वज़रा के हलफ उठाने का इम्कान है। वजीर आला भजन लाल शर्मा आज सुबह दिल्ली में BJP सदर JP नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। भजन लाल शर्मा ने 15 दिसंबर को राजस्थान के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया था। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के रुकन और गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को भारत सरकार ने दहशतगर्द करार दे दिया है। भारत सरकार ने यह कार्रवाई गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतालिक कानून के तहत की है। लखबीर सिंह लांडा पंजाब के जिला तरनतारन का रहने वाला है। कनाडा में रहने वाला लखबीर सिंह भारत के खिलाफ दहशतगर्दाना साजिशों में मुलविस रहा है। लांडा 9 मई 2022 को पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर होने वाले RPG हमले का मास्टरमाइंड भी है। पंजाब पुलिस और NIA ने इस मामले में इसके खिलाफ केस दर्ज किया है। और बात करेंगे मौसम की। मुल्क की कई रियासतों में सर्दी की लहर जारी है। सर्दी के साथ साथ शुमाली हिंद में धुंध भी बढ़ रही है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई है। कई ट्रेनें और हवाई ट्रैफिक भी मुतासर है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में कोल्ड डे की पेशनगोई की है। एक ऐसी सूरत हाल है जब कम अज कम दर्जा हरारत 10 डिग्री से नीचे गिर जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कम अज कम 4.5 डिग्री तक गिर जाता है। वाराणसी में जारी काशी तमिल संगमम के दौरान दूसरे एडिशन का आज आखिरी दिन है। काशी तमिल संगमम के इनेकाद ने शुमाल और जनूब के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया है। तकरीब के दौरान 1400 मंदुबीन ने काशी, अयोध्या और प्रयागराज का दौरा किया। 17 दिसंबर को 200 तलबा का पहला वफ्द बनारस पहुंचा। उसके बाद मुसन्निफीन, किसानों, ताजिरों, आचार्यों समेत
सात ग्रुप काशी पहुंचे। बनारस घराना और तमिल फनकारों ने नवघाट पर मुसलसल 12 दिन तक सकाफती परफॉर्मेंस भी दी। 12 दिनों के दौरान 108 परफॉर्मेंस में 200 से ज़ायद फनकारों ने परफॉर्म किया। इस बार पुडुचेरी के फन मौसीकी और तालीम से मुतालिक स्कॉलरों ने भी शिरकत की। काशी तमिल संगमम भी देसी मसनूआत की तशहीर का एक जरिया बन रहा है। मिलेट्स के स्टॉल पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस मौके पर डीडी न्यूज़ ने मिलेट्स के स्टॉल का जायजा लिया। ये एक स्टॉल है मिलेट का, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने लगाया है, भारत सरकार ने, नमो घाट पर। काशी तमिल संगमम में तरह तरह के स्टॉल लगे हैं, ये मिलेट का स्टॉल है। चूँकि यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने प्रयास किया है, लोगों से आग्रह किया है कि मिलेट्स का प्रयोग करें, और देखकर बड़ा खुशी हुई कि काफ़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में जान रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। इस स्टॉल के जो इंचार्ज हैं उनसे हम बात करेंगे। दीपक जी, ये स्टॉल पे कैसा आपको रिस्पॉन्ड मिल रहा है और लोग किस तरह की बातें आपसे समझना चाह रहे हैं? हमने यहाँ पे मिलेट के प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है और यहाँ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। ये सभी न्यू एज प्रोडक्ट्स हैं। हम पुराना अनाज ज़रूर यूज़ कर रहे हैं बट नए प्रोडक्ट्स हैं, ग्रनोला है, मूसली है, स्प्राउटेड मिलेट्स हैं। तो वाराणसी में यहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है बट बहुत लोग इंक्यूजिटिव हैं, काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं क्या है, किस चीज़ से बना है, और हमारी सेल भी काफ़ी अच्छी हो रही है। यहाँ पर लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं प्रोडक्ट्स। दीपक जी ने बताया जैसा कि लोग क्वेरी कर रहे हैं और साथ ही जानने के बाद खरीद रहे हैं, तो जो प्रधानमंत्री का, वाराणसी के सांसद का जो सोच है वोकल फॉर लोकल का, वो यहाँ पर फलीभूत होता दिखाई दे रहा है कि मिलेट्स के प्रति लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही इनके प्रोडक्ट को खरीद भी रहे हैं। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, नमोघाट, वाराणसी। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाह उर्दू अखबार पर। उर्दू अखबार का जायजा बाद में हम लेंगे, इससे पहले हम बात करते हैं अबू ज़हबी। मुत्तहदा अरब अमीरात में BAPS की तरफ से एक अजीम शान हिंदू मंदिर की जो वहां पर तामीर किया जा रहा है, मंदिर की तामीर आखिरी मराहिल में है। BAPS के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर के इफ्तिताह के लिए दावतनामा भी कबूल कर लिया है और वज़ीर आज़म मोदी 14 फरवरी को इस खूबसूरत मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। और इस अजीम शान मंदिर की खूबसूरत झलक के बाद आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाह उर्दू अखबार पर। उर्दू अखबार के जायजे में जो पहली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये गजा में जंग बंदी से मुतालिक है। गजा में जंग बंदी की हर तजवीज पर बातचीत के लिए हवास तैयार है, इसराइली अमरीकी दबाव वाली इंतजामिया के खिलाफ। इस दौरान फिलिस्तीन पर इसराइली बर्बरियत जारी है और यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल में जबरदस्त मुजाहरा भी जारी है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा इंतखाबात में सीटों की तकसीम इंडिया इतिहाद के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। इतिहादी पार्टियों में आसान नहीं है सीटों की तकसीम। राउत और ममता के बयान से नई हलचल मची हुई है और नीतीश खेमे में भी काफ़ी नाराज़गी फिलहाल देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और ये हज 2024 से मुतालिक है। हज 2024 के एक्शन प्लान को हुकूमत हिंद की मंजूरी मिल गई है और इस सिलसिले में अब तैयारियाँ जारी हैं। आगे बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। 6 जनवरी को हदफ तक पहुंच जाएगा आदित्य L1, और आदित्य L1 सितंबर 2023 को सूर्ययान आदित्य L1 लॉन्च किया गया था और अपने मिशन की तरफ ये आगे मुसलसल बढ़ रहा है। इसके बाद की खबर है वो है इनकलाब से, और ये लंदन सिंह का इस्तीफा। नीतीश कुमार JDU के सदर दोबारा से बने और कयास आरआईयू के दरमियान बिहार के वजीर आला ने सदर का ओहदा अपने हाथ में ले लिया है। केसी त्यागी ने कहा है कि कदम पार्टी के साथ ही इंडी इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सहाफत से अगली खबर, गाजा में पहली बार इमदादी सामान दाखिल, इंसानी तबाही देकर कांप उठे अमरीकी डॉक्टर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों के नतीजों में 210 फिलिस्तीनी शहीद, कैंप और अस्पताल में इसराइल की बमबारी जारी। इसके बाद की जो खबर है वो भी सहाफत से, कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, गुज़िश्ता 24 घंटे में 797 नए केसेस दर्ज हुए हैं, 5 लोगों की मौत। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और झारखंड में 50 साल से ऊपर के तमाम कबायलियों और दलितों को पेंशन देने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत के 4 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में इस बात का ऐलान किया गया। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की यह खबर, इसरो का आइंदा सैटेलाइट चीन और पाकिस्तान की हर हरकत पर नज़र रखेगा। और इसके साथ ही ये उर्दू के अखबारात, और आगे बढ़ेंगे अब बैन अल-अक़वामी खबरों की तरफ। इसराइल ने गजा में सुरंगों के नेटवर्क की वीडियो जारी की है। इसराइली फौज का कहना है कि सुरंग शुमाली गजा में वाकई थी, जहां हमास के दहशतगर्द इसे अपने अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। इसराइल ने इस सुरंग को तबाह कर दिया है। इसराइली फौज के मुताबिक इस सुरंग में बिजली का नेटवर्क, एक लिफ्ट, वेंटिलेशन और सीवेज की बुनियादी ढांचे और बैतुलखला भी शामिल थे। इस दौरान यूक्रेन में रूस के मिसाइल हमलों में 30 अफराद हलाक हो गए हैं। इस हमले में 160 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। ये मिसाइल काइव, डनप्रोपेट्रोविस्क, खार्किव और लियोलिव पर फायर किए गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने इस पर कम से कम 158 मिसाइल दागे हैं। इसमें अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, सिनत और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के फौजी सरबराह वैलेरी जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के फिजाइया ने ज्यादातर बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल और ड्रोन को तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने इसे रूस का अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला करार दिया है। नेटो के रुकन पोलैंड ने खदशा जाहिर किया है कि रूसी मिसाइल मुल्क की फिजाई हदूद में दाखिल हो सकता है। पोलैंड के एक जनरल ने बताया कि यूक्रेन पर रात भर रूसी हमले के दौरान सुबह सवेरे एक नामालूम हवाई चीज देखी गई। यूक्रेन के फिजाइए के तर्जुमान ने भी अभी तक इस रिपोर्ट पर कोई रद्देअमल जाहिर नहीं किया है। ताहम उसने पिछले रूसी फिजाई हमले के दौरान पोलैंड और रोमानिया में ऐसे ही वाकयात को नोट किया है। पोलैंड की मसले अफवाज के ऑपरेशनल कमांडर जनरल मैकेज क्लेंस ने कहा है कि फिजाई ऑब्जेक्ट ने मुल्क की सरजमीन पर 3 मिनट से भी कम वक्त गुजारा, उसके बाद वो पोलैंड की फिजाई हदूद से निकलकर यूक्रेन वापस चली गई। जनूबी अफ्रीका ने हेग में वाकई आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दायर किया, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसराइल गजा में नस्ल कशी की कार्रवाइयों में मुलविस है। अक़वामे मुत्तहिदे की अदालत ने नस्ल कशी कन्वेंशन के तहत इसराइल की जिम्मेदारी को मुबैना खिलाफ वर्जियों से मुतालिक कार्रवाइयों की तस्दीक की है। इसराइल ने इस इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद करते हुए इसे बेबुनियाद करार दिया है। इसराइल की वजारत खारजा ने कहा है कि वह जनूबी अफ्रीका की तरफ से फैलाई गई खून की बेहरमती को नफरत के साथ मुस्तरद करती है। बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ अक़वामे मुत्तहिदा का अहम कानूनी इदारा है। ये रियासतों के दरमियान तनाजात को हल करता है और बैन अल-अक़वामी कानूनी मसाइल पर मशावरती राय भी देता है। रुख करते हैं सर्बिया का, सर्बिया के दारुलहुकूमत बेलग्रेड में अपोजिशन के सैकड़ों मुजाहरीन ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ मार्च किया। वो तलबा के साथ इलेक्शन कमीशन की इमारत के सामने जमा हुए और शहर के वस्त में एक बड़ी सड़क को ब्लॉक कर दिया। एक मुजाहरा करने वाले का कहना था कि वो इस मार्च में इसलिए शरीक है ताकि उनके बच्चों को नकल मकानी ना करनी पड़े। तलबा और हिजब इख्तलाफ के रहनुमाओं ने सदर अलेक्जेंडर वोसिक की इंतजामिया पर वोटरों के रजिस्टर में हेरा फेरी करने, मुर्दा लोगों के नामों पर वोट डलवाने और कोसोवो और बोस्निया से वोटरों को बेलग्रेड लाने का इल्जाम लगाया है। ताहम हुक्काम ने इस दावे की तर्दीद की है। नाज़रीन, दुनिया भर में हर कोई नई उम्मीदों और तवक्कात के साथ नए साल का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इसीलिए लोगों में जोश खरोश भी वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है। इसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम लिखकर जश्न मनाया। रुख करेंगे खेल के मैदान का। भारत और ऑस्ट्रेलिया की ख्वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज मुंबई में खेला जाएगा। सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।